तो आज के दिन जानेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र कहिए या आचरण प्रमाण पत्र कहिए, इसे अगर आपने भी ऑनलाइन अप्लाई किया है और अप्लाई नहीं किया है तो इसे अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है और आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर उस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखिए, मैंने कैसे बताया कि कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करना है, इसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है और आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि उसे कैसे डाउनलोड करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र को आपको कैसे डाउनलोड करने हैं। आज के उसमें स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो जरूर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन के ऑल पर दबा लेंगे ताकि मेरे नए नए आने वाले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, सर्विस प्लस ऑनलाइन डॉट बिहार जी ओ वी डॉट इन के वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र को आपको यहाँ पे कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएंगे, एक ऑप्शन देखने को मिलता है आवेदन की स्थिति देखें, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नया टैब खुल कर आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक नया टैब खुल कर आ चुका है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलता है। यहाँ पे आप दो तरीका से डाउनलोड कर सकते हैं, पर आप एप्लीकेशन नंबर से आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और आप एप्लीकेशन डिटेल से डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको OTP की ज़रूरत पड़ेगा, जो भी आपने फिल करते समय फॉर्म फिल करते समय आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर आपको OTP जाएगा, तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे आसान डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर अपना फिल कर लेंगे, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा यहाँ पर फिल करेंगे। और अगर आप सबमिट डेट से अगर आप चेक करना चाहते हैं या डिलीवरी डेट से आप चेक करना चाहते हैं, वो अपना डेट यहाँ पर फिल कर लेंगे, सेम है। तो मैं चलिए मैं अपना सबमिशन डेट से ही चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपना जो भी डेट को मैंने सबमिट किया था वो यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फिल कर लिया है और इस कैप्चर को फिल कर लेते हैं पहले। तो इस कैप्चर को फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इस कैप्चर को फिल कर लेना है पहले, तो चलिए इस कैप्चर को फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस कैप्चर को फिल कर लिया है और यहाँ पे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक नया टैब खुल कर आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि नया टैब खुलकर आ चुका है। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, और आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको OTP की जरूरत पड़ेगा, तो आपको OTP की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन डिटेल के थ्रू आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे सेकेंड वाले ऑप्शन पर तो यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम यानी जो भी अपने एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे फिल करना है, और यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम। यहाँ पे चलिए पहले अपना एप्लीकेंट का नाम फिल कर लेते हैं, उसके बाद फादर्स का मदर्स का फिल करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा डिटेल को फिल कर लिया है, और यहाँ पे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलता है बहुत सारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो भी अपने एप्लीकेशन डिटेल फिल किया है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे आपको इश्यू डेट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पे आपको जो भी फॉर्म को सबमिट किया था यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डिटेल देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप न्यू सर्टिफिकेट पर डाउनलोड करेंगे। न्यू सर्टिफिकेट पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे एक नया टैब खुल कर आ चुका है, और इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपने डाउनलोड किया है यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा यहाँ पे डाउनलोड होकर आ जाएगा, और आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे डिजिटल यहाँ पे मोहर लग के आ चुका है, सिग्नेचर होकर आ चुका है। यहाँ पे पुलिस अधिकारी यहाँ पे देखने को मिलता है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको इशू डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको फिल देखने को मिलता है।
आपके पुलिस स्टेशन की तरफ से यहाँ पे कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। और ये रहा आपका एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है रेडी हो चुका है। कुछ इस प्रकार से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं, या आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड पर क्लिक। तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड चरित्र प्रमाण पत्र को आपको कैसे डाउनलोड करना है, इस वीडियो में सारी जानकारी दे दिया हूँ कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। और अभी भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। नेटअप एक साथ, तब तक ले जय हिंद।